हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस 11 के बारे में। सो वन प्लस 8 का ऑक्सीजन ओएस 11 का पोर्ट रॉम अवेलेबल हुआ है रेडमी नोट 7 के लिए। अप्रैल 2021 का जो अपडेट आया है उसको हमें बात करने वाले हैं। सो अप्रैल के महीने के अंदर क्या क्या हमें अपडेट देखने को मिला है इस बिल्ड के अंदर। इससे पहले भी दोस्तों रेडमी नोट 7 के लिए ऑक्सीजन ओएस 11 का जो पोर्ट वर्सन है अवेलेबल हुआ था। ले दोस्तों थर्ड वर्सन है और थर्ड फिक्स आप कह सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी फिक्सेस को अप्लाई किया गया है एंड बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं अपना सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स में से चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर। एंड अबाउट फोन के अंदर सब देखिए पा रहे हो स्नैपड्रैगन का 660 है। बाकी आप यहाँ पर डेवलपर का नाम देख सकते हो कॉडी 47 करके है। वन प्लस 8 से पोर्ट किया गया है। यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्सन हमें देखने को मिलता है दोस्तों एंड्रॉयड 11 है। ये ऑक्सीजन ओएस 11 के साथ हमें एंड्रॉयड 11 ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो कर्नेल यहाँ पर यूज़ किया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो कर्नेल है दोस्तों पीडियड स्टॉर्मब्रेकर का 9.6 कर्नेल यूज़ किया गया है जो कि 25 ऑफ मार्च का बिल्ड है। यहाँ पर हमें दोस्तों मार्च 1, 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल गया है। सो अप्रैल का महीना है एंड मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है जो कि एक महीना लेट है बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन ओएस का बीटा बिल्ड है बीटा 8 उससे दोस्तों यहाँ पर पोर्ट किया गया है। सो वन प्लस का जो ओपन बीटा 8 है उससे दोस्तों पोर्ट किया गया है रेडमी नोट 7 के लिए। तो नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्या क्या ऑप्शंस को डाला गया है। तो सबसे पहले जो अपना ब्राइटनेस है उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड यहाँ पर देख पाओगे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। आपको मैं वॉलपेपर दिखा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग से वॉलपेपर है एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर हमें देखने को मिलता है। आप जो भी पसंद है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ब्राइटनेस वैसे बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको वन प्लस की तरफ से वॉलपेपर देखने को मिलता है, लाइव वॉलपेपर है। उसके बाद साइबर पंक का भी वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। ये सभी वॉलपेपर जो लास्ट बिल्ड है उसके अंदर भी हमें देखने को मिल गया था, वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं इस रोम को फ्लैश करने के बाद एक बार आपको फॉर्मेट डेटा करना ही होगा वरना आप इस रोम को बूट नहीं कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं जो अप्रैल के महीने के अंदर अपडेट आया है, इस अपडेट के अंदर क्या क्या फिक्स किया गया है, क्या क्या बात को दोस्तों यहाँ पर फिक्स किया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसके अंदर जो माइक जो है वो काम नहीं कर रहा था उसे फिक्स कर दिया गया है। अभी आपके फोन के ऊपर जो माइक है वो काम करेगा। अपने हेडफोन के अंदर जो माइक है, अपने फोन के ऊपर जो माइक है वो काम करेगा। मतलब जो मैसेंजर व्हाट्सएप के अंदर अगर आप वीडियो कॉलिंग एंड वॉइस कॉलिंग करते थे तो जो माइक जो है वो काम नहीं कर रहा था, उस प्रॉब्लम को अभी फिक्स कर दिया गया है। आपको माइक का कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा सोशल मीडिया एप्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको और एक नया ऑप्शन को डाल दिया गया है जो कि आपको कस्टमाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर फॉन्ट्स के अंदर। सो आपको क्या कुछ नया फॉन्ट्स देखने को मिलता है, ऐसे देख पाओ ये वाला फॉन्ट है एंड इसका नाम है चोको कुकी सैन फ्रांसिस्को फॉन्ट है। गूगल सैंस हम देखने को मिल जाती है। अलग अलग फॉन्ट जो है वो भी हमें यहाँ पर डाल दिया गया है। नॉर्मली दोस्तों जो अपना वन प्लस के फोन्स के अंदर दो फॉन्ट रहती है बट यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिलता है। मैक्रो एडिशन वन प्लस का फॉन्ट है, रोबोटो है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया अलग अलग फॉन्ट्स दिया गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ नया फॉन्ट्स को भी यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वन प्लस का जो वेंडर है उसे ऐड करके दिया गया है एज वेल। आपको दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में ले चलते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड फिर से उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपना सिक्योरिटी के अंदर। एंड यहाँ पर देखिए पा रहे हो अपना जो फेस वाला है वो भी हमें देखने को मिल गया है, जो फिंगरप्रिंट है वो भी देखने को मिल गया है। फिंगरप्रिंट को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो 3, 2, 1 ये देखो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, इस फिंगर से अगर देखते हैं टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाती है ना, फेस अनलॉक को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर आपको देख पाओगे फेस अनलॉक का जो सिंबल है वो देख हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें वन प्लस नॉट का जो फेस अनलॉक है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो फेस अनलॉक है काम नहीं कर रहा है, तो हम जल्दी से इस पोजीशन के अंदर से जो फेस अनलॉक है उसे अप्लाई कर लेते हैं। सो हमने जो फेस अनलॉक है यहाँ पर डाल दिया है, देख लेते हैं कैसा होता है। एंड अगेन भाई सब जो फेस अनलॉक है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो एक्चुअली फेस अनलॉक काम करते हैं बट आपको सर्टेन एरिया से करना होगा। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सभी टेस्ट के अंदर जो फेस अनलॉक है हमारा काम नहीं कर रहा है। सो फेस अनलॉक काम करता है बट पर्टिकुलर एक लाइट अगर आपके फेस के ऊपर पड़ती है तभी काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। नाउ दोस्तों पर बात कर लेते हैं अपने बग्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो वाईफाई डिस्प्ले है मतलब जो कास्ट स्क्रीन है दोस्तों काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये दोस्तों बग है, डेवलपर की तरफ से बताया गया है। एंड इस रोम को फ्लैश करने के दौरान जो चीज़ आपको ध्यान में देना होगा, आपको पहले ट्रेवल रिकवरी में जाके और
आप जो भी कस्टमर रिकवर यूज कर रहे हो उसके अंदर जाके आपको सिस्टम वेंडर डेटा को वाइप करके रॉम को फ्लैश कर देना होगा इंस्टॉल में से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट डेटा है वो करना होगा, मतलब इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपका जो सब जितने भी इंटरनल स्टोरेज के अंदर डेटा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो पूरा डेटा का बैकअप ले लीजिए वरना आप मुश्किल में पड़ जाओगे। बाकी दोस्तों अगर आप इस सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर बात करूँ इसको यहाँ पर कैमरा टेप है की तो लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सो आप आराम से जो गूगल कैमरा रहेगा जी कैम रहेगा उस सब यूज करके देख सकते हो। अगर बात करूँ यहाँ पर गिगवेंच की स्कोर तो यहाँ पर हमें पीडिएटेड स्टोमेकर कर्नल देखने को मिलता है। इसके लिए जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है। 3294 सिंगल कोर और मल्टी कोर के लिए 1319 मल्टी कोर की सबसे काफी बढ़िया है। सिंगल कोर की सबसे भी काफी बढ़िया हमें स्कोर देखने को मिल गया है। अगर बात करूँ यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग की तो सीपीयू थ्रॉटलिंग का जो टेस्ट है वो भी हमने रन किया था जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एंड जैसे कि देख पा रहे हो 10 मिनट के आसपास हमने रन किया था 144 मैक्स गया है, एवरेज 135 मिनिमम है 122 जो कि काफी बढ़िया हमें स्कोर यहाँ पर देखने को मिल गया है। 90% का हमें यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है जो कि लाजवाब है। अगर बात करूँ यहाँ पर सेफ्टी नेट की तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले जो मैजिक्स है हम यहाँ पर मैजिक्स को यूज़ कर पा रहे हैं तो जो रूट है वो भी काम करता है, रूट एक्सेस भी है हमारे पास। एंड यहाँ पर जो अपना मैजिक हाइट है उसे एप्लीकेबल कर देते हैं पहले। सो मैजिक्स हाइट को हमने एनेबल कर दिया, उसके बाद हम चलते हैं सिंपली सेफ्टी नेट के अंदर। इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगी फ़ोनपे गूगल पे इस तरह की एप्लीकेशन काम करेगा या नहीं। एंड यहाँ पर सबसे पहले वैसे क्या हो रहा है फोकस। सो यहाँ पर जो हमारा सेफ्टी नेट का एप्लीकेशन है वैसे टाइम ले रहा है ओपन होने में। सो यहाँ पर हमारा जो सेफ्टी नेट है उसको ओपन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने प्ले स्टोर से जो सेफ्टी नेट है उसे डाउनलोड में बैठाया है। एंड यहाँ पर देख पाओगे हम यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं फिर भी हमारा जो सेफ्टी नेट है वो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जल्दी से फ़ोन जो है हमारा रीसेट कर लेते हैं। सो वन सेकेंड दोस्तों ये जो रॉम है ये GSI से पोर्ट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेनली सॉन्ग के अंदर इस तरह की जो परफॉर्मेंस इशू है देखने को मिल गया है। एंड ये जो रॉम है मेनली आपका एक्सपीरियंस करने के लिए है ऑक्सीजन ओएस 11 कैसा है उसके लिए है। इस रॉम को हम दोस्तों एज ए ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं बट आपको इस तरह की माइनर चीज़ें परेशान करेगी जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है इस तरह की इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी हमारा जो फ़ोन पहले ओपन हो जाए उसके बाद आपको मैं सेफ्टी नेट भी दिखा दे रहा हूँ। इन वाइस अब सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर फिर से जो है हमारा फोन रिस्टार्ट करने के बाद फाइनली पेंडिंग से उसको इंस्टॉलेशन हो गया। नाउ सेफ्टी नेट को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसमें टैप करते हैं। सो बेसिकली इसके साथ हमें मालूम चल जाता है जो अपना UI बेस्ड एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं, जैसे देखो यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, मतलब जो UI बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे फोन पे इस तरह की एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। अभी थोड़ा सा पबजी को खेल के देखते हैं कैसे चलता है पबजी। सो सिंपली हम जो अपना FPS है उसे इनेबल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर FPS जो है उसे इनेबल कर लेते हैं जल्दी से। एज वेल हमने जो 90 FPS है उसे अनलॉक करने के लिए अपना जो मॉड्यूल है मैजिकस का मॉड्यूल उसे फ्लैश कर दिया है। उसके साथ हमें जो 90 FPS है उसका भी ऑप्शन देखने को मिल गया है। एंड जल्दी से जो FPS है इसे हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया है, ऊपर आपको FPS देखने को मिल जाएगा। बैटरी देख लीजिए 91% के आसपास है। एंड जो मैजिकस के मॉड्यूल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, उसका नाम है गेम अनलॉकर। इसके साथ हमें 90 FPS देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पबजी खेलूंगा, ज़्यादा नहीं खेलूंगा, देखते हैं कैसे चलते हैं। TDM मैच खेल लेते हैं। एंड बैटरी देख लीजिए अभी 91% के आसपास है। यहाँ पर हम जो है पबजी को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर आप FPS देख सकते हो। पहले आपको सेटिंग्स में दिखा दे रहा हूँ। तो जो सेटिंग्स है उसको स्मूथ एक्सट्रीम के अंदर है, 90 FPS का भी ऑप्शन है, बट हम स्मूथ एक्सट्रीम के अंदर भी खेलने वाले हैं। बैटरी है 90% के आसपास। बाकी देखते हैं जो गेम है वो कैसे चलता है। एंड यहाँ पर जो गन है उसे ले लेते हैं, नाउ खेलते हैं। जैसे कि आपको देखा थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर हमें जो है लैग देखने को मिला, लैग मतलब फ्रेम ड्रॉप। गलत हो गया मेरे साथ। FPS आप देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेनली आपको कुछ टाइम के लिए जो फ्रेम ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा।
भाई साहब पेल दिया पीछे से। देख पा रहे हो बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों, एंड एपीस भी आप देख सकते हो। पीछे से पहल गया भाई साहब, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। ओ भाई साहब हेडशॉट, सो आपने देखा कैसा गया। एंड यहाँ पर आपको मैं एपीएस आपने देख लिया, एंड बैटरी देख लीजिए। बैटरी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 88 के पास आसपास हुआ है, मतलब 88% अभी हुआ है। सो आपने देखा है क्रिकेट मैच के बाद कितना बैटरी ड्रॉप होता है। सो आई होप दोस्तों ये आपको जो वन प्लस का हमने गेमिंग वीडियो और रिव्यू आपके साथ शेयर किया राम रिव्यू के साथ पसंद आया होगा। अगर आपको इस सॉन्ग को डाउनलोड करना है ऑक्सीजन वॉइस 11 का मजा लेना है अपने डेविनोट 7 S11 के लिए, तो इस सॉन्ग को डाउनलोड कीजिए। इस सॉन्ग का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वो आप जाके चेकआउट करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।